सो फर्स्ट फॉर्मूला इज की अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स है तो उसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल ठीक है नाउ सेकेंड फार्मूला इज की अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के इन ए है वे के इज अ कॉन्स्टेंट ठीक है तो इसका होता है दैट इज के टू दावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए नाउ वट इज एन एन होता है जैसे कि ए है अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स तो ये यहाँ पे हमारा एन हो गया जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास जो मैट्रिक्स है सपोज वो थ्री क्रॉस थ्री की है अगर एक मैट्रिक्स मतलब तो यहाँ पे हमारे पास वो क्या हो जाएगा थ्री ठीक है नाउ फोर्थ सॉरी थर्ड थर्ड दिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेट ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस वन ठीक है ये हमारे पास थ्री फॉर्मूलेज होते हैं इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे सो so, यहाँ पे हमारे पास क्या है ए इन्वर्स नाउ ए इन्वर्स है हमारे पास तो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा हम रो वन के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन इन टू दिस दिस मैट्रिक्स दैट इज सिक्स एट हंड्रेड नाइन्टी नाइन सिक्स एट हंड्रेड नाइन्टी नाइन ठीक है माइनस वन ना हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे दैट मीन्स इस कुछ इस लाइन को और इस इस रो को और इस कॉलम को छोड़ के दैट इज फोर एट हंड्रेड और नाइन्टी नाइन दैट इज फोर एट एंड हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन ठीक है देन अगेन प्लस वन देन अब हमारे पास कौन सी डिटर्मिनेंट आ जाएगी दैट इज दिस फोर सिक्स हंड्रेड हंड्रेड फोर सिक्स हंड्रेड हंड्रेड ठीक है इज so यहाँ पे क्या आ जाएगा सिक्स इंटू नाइनटी नाइन ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिक्स इंटू नाइनटी नाइन माइनस ऑफ दिस इंटू हंड्रेड ठीक है ठीक है प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर हंड्रेड फोर इंटू हंड्रेड और यहाँ पे माइनस ऑफ सिक्स हंड्रेड ठीक है सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सिक्स इंटू नाइनटी नाइन माइनस एट इंटू हंड्रेड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे माइनस फोर इंटू नाइनटी नाइन माइनस माइनस प्लस एट इंटू हंड्रेड एंड यहाँ पे क्लियरली क्या जाएगा माइनस के टू हंड्रेड इन दोनों में से अगर हम नाइन्टी नाइन कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा सिक्स माइनस फोर दैट इज टू और इन दोनों में से अगर हम हंड्रेड कॉमन ले लें सॉरी ये एकदम सिमिलर टर्म्स हैं तो ये आपस में प्लस माइनस करके कैंसिल हो जाएंगी ठीक है सो so, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा इन दोनों को तो हमने कॉमन ले लिया दैट इज माइनस ऑफ टू हंड्रेड

तो रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू के इक्वल ठीक है ये यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई नाउ अब देखो हमें फाइंड क्या करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ टू ए तो डिटर्मिनेंट ऑफ एट ज्वाइंट ऑफ टू ए फाइन करते हैं पहले डिटर्मिनेंट ऑफ एट जॉइंट ऑफ टू ए अभी हमने फॉर्मूले थर्ड के अकॉर्डिंग फॉर्मुला थर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब जो यहाँ पे गिवन है उसका डिटर्मिनेंट एन टू पावर एन माइनस वन तो यहाँ पे टू एंड क्लियरलींट हमारे पास क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट फॉर्मुला सेकंड के अकॉर्डिंग टू इंटू ए सपोज के अब यहाँ पे हमारा टू के इक्वल हो गया है तो टू टू दावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो यहाँ पे क्या टू टू दावर एन इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पे क्या है होल टू दी पावर एन माइनस वन क्लियरली यहाँ पे ये थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है तो एन हमारे पास क्या हो जाएगा थ्री तो पुट कर देते हैं तो तो ऑफ की 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 वैल्यू क्या है की 1 2. -1, is, है माइनस एंड होल टू दी पावर दैट इज प्लेस पे सो एक पावर कैंसिल यहाँ पे क्या बचा टू का स्क्वायर एंड टू का स्क्वायर होता है फोर और यहाँ पे थ्री माइनस वन एज टू तो यहाँ पे हमारे पास क्लियरली क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ठीक है और फोर का स्क्वायर फोर फोर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास सिक्सटीन

तो माइनस ऑफ फोर क्या करना है हमें इन दोनों की वैल्यूज निकाली इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दैट इज ऑफ दिटमिन टू ये क्या है हमारे पास सिक्सटीन एंड ये क्या है हमारे पास माइनस फोर तो सिक्सटीन माइनस फोर दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व सो ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ठीक है मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ट्वेल्व के इक्वल और यहाँ पे आंसर आ गया थैंक यू ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज आज डाउनलोड करें डाउट नेट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर